little ones, how are you all? I'm your Reena ma'am. Good morning. Today we will start our session with prayer and exercise. So let's start the prayer. Om Bhurbhuvah Svah Tat Savidur Vareenyam Bhargo Devasya Dhimahi धियो यो न प्रचोदयात् ओम शांति 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 नाउ रेडी फॉर द एक्सरसाइज बच्चों आपको पता है एक्सरसाइज करने से हम स्ट्रांग एंड फिट हो जाते हैं तो हमें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए सो लेट्स स्टार्ट आज हम हमारे हाथों की एक्सरसाइज करेंगे आप भी मेरे साथ कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. बच्चों, अच्छा लगा ना आपको एक्सरसाइज करके? तो आप भी ये एक्सरसाइज रोज घर पे करना इससे हमें बहुत फायदा होता है नाउ लेट्स स्टार्ट अवर सेशन बच्चों आपको याद है आपने लास्ट सेशन में क्या सीखा था यस हमने लास्ट सेशन में अल्फाबेट ओ सीखा था लेट्स डू रिवीजन ऑफ अल्फाबेट ओ The sound of alphabet O is O. O. Capital O. Small O. O for octopus. O for ostrich. O for orange. O for ox. O for oil. O for one. O for onion. O for olive. O for owl. O for oven. Today we will revise alphabet O through one activity. Will you do with me? Yes. So let's start. I have different objects related to different alphabet. We have to find out objects related to alphabet O and put it in front of alphabet O. What is this? Who will tell me? Yes, this is an apple. O for apple hota hai? Nahi. A for apple hota hai. To hum alphabet O ke samne nahi rakhenge. This is an owl. Kya O for owl hota hai? Yes, O for owl hota hai. तो हम इसे अल्फाबेट ओ के सामने रखेंगे ये क्या है बॉल क्या ओ फॉर बॉल होता है नहीं बी फॉर बॉल होता है तो हम इसे अल्फाबेट ओ के सामने नहीं रखेंगे व्हाट इज दिस दिस इज एन ऑयल क्या O for oil होता है? Yes, O for oil होता है. तो हम इसे अल्फाबेट O के सामने रखेंगे. ये है kite. क्या O for kite होता है? नहीं, K for kite होता है. तो हम इसे अल्फाबेट O के सामने नहीं रखेंगे.
व्हाट इज दिस? कम ऑन टेल मी, हरी अप। यस, दिस इज एन अनियन। क्या ओ फॉर अनियन होता है? यस, ओ फॉर अनियन होता है। तो हम इसे अल्फाबेट ओ के सामने रखेंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज एन एलिफेंट। क्या ओ फॉर एलिफेंट होता है? नो, ई फॉर एलिफेंट होता है। तो हम इसे अल्फाबेट ओ के सामने नहीं रखेंगे। ये है ऑक्टोपस। क्या ओ फॉर ऑक्टोपस होता है? यस, ओ फॉर ऑक्टोपस होता है। तो हम इसे अल्फाबेट ओ के सामने रखेंगे। ये क्या है पता है बच्चों? डॉल्फिन। क्या ओ फॉर डॉल्फिन होता है? नहीं, डी फॉर डॉल्फिन होता है। तो हम इसे अल्फाबेट ओ के सामने नहीं रखेंगे। एंड व्हाट इज दिस? हु विल टेल मी? ऑरेंज। क्या ओ फॉर ऑरेंज होता है? यस, ओ फॉर ऑरेंज होता है। तो हम इसे अल्फाबेट ओ के सामने रखेंगे। दिस इज अ कार। क्या ओ फॉर कार होता है? नहीं, सी फॉर कार होता है। तो हम इसे अल्फाबेट ओ के सामने नहीं रखेंगे। सो चिल्ड्रन, डिड यू एंजॉय दिस एक्टिविटी? यस, सो लेट्स रिवाइज द ऑब्जेक्ट्स विच स्टार्ट फ्रॉम लेटर ओ। O for orange, O for owl, O for oil, O for onion, O for octopus. अब वर्कशीट टाइम। आप सबने वर्कशीट कंप्लीट की? इन दिस वर्कशीट यू हैड टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट एंड कलर इट। सी माय वर्कशीट चिल्ड्रन। I had colored the picture of orange with orange color and green color. देखो बच्चों, यहाँ मैंने ऑरेंज कितने अच्छे से कलर किया है। आपने भी ऐसे किया है ना? कलर बाहर तो नहीं जाने दिया? वेरी नाइस, क्लैप फॉर योरसेल्फ। आज आप सबने बहुत अच्छे से सीखा है, तो आज आपको मिलेगा स्माइली। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।